सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे उसको हम इमाम मान लें, उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्श देने वाला जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है, वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर ला यजीद के साथ, करीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता? और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्ला में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्ला में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे? मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाजल हुई, वो अच्छे थे? अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का, वो आज बकरा है। आज मेरे पास वीडियो आई है, कहता है यजीद ने तो बड़ी खेमो, तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? बोले, बोल के बताए। तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह दो गवर्नरियां दी उसको, ये हाल किया? बल्कि सुनो जो हदीस पाक में आता है वो ये है कि यजीद छड़ियां मार रहा था, छड़ियां इमाम हुसैन के लबों पे, तो नमान बिन बशीर सहाबी थे, बोल पड़े, कहने लगे ओ यजीद बदबख्त हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होंठों को चूमते देखा है। हजरत जनाबे जैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी हैं, यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर तो यजीद कहने लगा देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी जैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है, जानदार है। हजरत सैयदा जैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मेरे मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, तो जनाबे जैनब बोली, नौमान बिन बशीर कहते हैं बीबी बोली, इतने सदमे हैं पर जनाबे जैनब बोली अल्लाह अकबर। इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कहने लगी वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियादिकल खैर इन्नका आला कुल्ले शैइन कदीर। और फिर कहने लगी यजीद तू बकता है, कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया, ये तेरी हुकूमत है, चार दिन गुजरने दे, तुझ पे कोई लालच भी नहीं बरसाएगा, और मेरे भाई का कयामत तक मिंबरों में और खुतबों में जिक्र हुआ करेगा, वक्त गुजरने दे। जब जनाबे बीबी जैनब बोल रही थी तो हुजूर के एक नबीना से अभी पास बैठे थे, जनाबे नौमान बिन बशीर का हाथ हिलाया, हिला के कहने लगे क्या अली आ गए? तो अली की आवाज लगती है, जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हों जैसे, दरबारे दमिश्क में बीबी जैनब का खिताब, मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। मेरे भाई बस करबला वाला काफिला तो मदीने पहुंच गया, 3 साल यजीद ने हुकूमत की, शराबे आम हो गई, मक्के पे हमला हुआ, खाना काबा का गुलाफ जला, मदीने पे उसने हमला किया, 3 दिन मस्जिद नबी में उसने घोड़े बांधे, मस्जिद नबी में सहाबा को निकाल के अपना उसने इमाम मुकर्रर किया, लेकिन फिर उम्मत ने उसे कबूल न किया, फिर वो रुसवा हुआ और आज तक वो रुसवा है, लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और आज